सबसे बड़ी जीत। आज रविवार है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट का मैच है। बच्चे बहुत खुश हैं। वे मैदान में बैठे क्रिकेट मैच की बातें कर रहे हैं। आज तो क्रिकेट मैच है, कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आएगा, खूब चौके छक्के लगाएगा। देख लेना, आज तो भारत ही जीतेगा। बच्चों की ये सारी बातें झाड़ी के पीछे बैठा चीकू खरगोश सुन रहा था। उसके दिमाग में आया, क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेलें? वह उछल कूद करता हुआ अपने सुंदरवन में जा पहुंचा। सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेलें? इस तरह दो टीमें बनी, कप्तान जिम्बो हाथी की रॉयल्स टीम और कप्तान बगीरा चीता की तेजा टीम। अंपायर बने ब्लैकी चिंपांजी और खेल की कमेंट्री के लिए आ गई गप्पी लोमड़ी। जिम्बो हाथी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस रोमांचक मैच को देखने के लिए सुंदरवन के सभी जानवर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जिम्बो हाथी की टीम बड़े ही जोश के साथ पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी है। मैच शुरू हुआ। दाईं ओर चीकू खरगोश है और दाईं ओर लंबू जिराफ। दोनों ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, इसलिए हमें सामने की ओर ज्यादा खेलना चाहिए। बल्लू, हमें शुरुआत के ओवर में ही ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। देखते ही देखते मैच रोमांच से भर गया। इसी तरह ये खेलते रहे तो बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। इनकी जोड़ी को तोड़ना जरूरी है। चीकू खरगोश, अगला ओवर तुम करो और किसी तरह विकेट गिराओ। विकेट ठीक है, पूरी कोशिश करता हूँ। ओवर की आखिरी गेंद पर चीकू ने बल्लू भालू का विकेट उड़ा दिया। अंपायर का इशारा और ये आउट। Night.
यदि हमें जिम्बो हाथी का भी विकेट मिल जाए तो बड़ा स्कोर करने से इन्हें रोका जा सकता है। जिम्बो हाथी और मीकू बंदर की धुआंधार बल्लेबाजी ने दर्शकों में जोश पैदा कर दिया है। पहली पारी की समाप्ति के साथ रॉयल्स टीम ने 20 ओवर में 100 रन बनाए। अब तेजा टीम के सामने जीतने के लिए 101 रन का बड़ा लक्ष्य है। विश्राम के बाद तेजा टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई। टिंकू कछुए, तुम गेंदबाजी की शुरुआत करो। टिंकू, आज तुम्हारी गेंद पर चौके छक्के ही बरसाऊंगा। यह मैच हमारी ही टीम जीतेगी। चीकू, पहले मेरी फिरकी गेंद का कमाल देख। बल्लेबाजी करते हुए चीकू और बगीरा ने मिलकर 10 ओवर में 60 रन बना लिए हैं। चीकू, अब जरा संभल कर खेलना। ये ओवर शेंग की कंगारू का है। अपने थैले से कब गेंद निकाल कर फेंकता है पता ही नहीं चलता। बगीरा, हमें जीतने के लिए 60 गेंद में 41 रन बनाने हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो कोई मुश्किल काम नहीं। और ये शेंकी कंगारू की पहली गेंद जिसको बगीरा ने उठाकर खेला। लेकिन ये क्या, हवा में उड़ती गेंद मीकू बंदर ने उछल कर अपनी पूंछ में दबोच लिया। मीकू ने अपनी कलाबाजी से जाते हुए छक्के को कैच में बदल दिया। इस तरह तेजा टीम का पहला विकेट चटका। रन बना लिए हैं। अब तेजा टीम को जीतने के लिए एक ओवर में 4 रन बनाने हैं। और अब आखिरी ओवर के लिए जिम्बो हाथी ने टिंकू कछुए को गेंद सौंपी है। टिंकू के ओवर की पहली गेंद और गबरू सियार टिंकू खुशी से मैदान पर ही झूम रहे हैं। टिंकू नाच कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए। टिंकू इतना खुश मत हो, मैं अभी मैदान पर हूँ। देख गेंद को कैसे मैदान के बाहर भेजता हूँ। टिंकू अपनी फिरकी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहा है। बड़ा ही रोमांचक मैच है। अब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद और तेजा टीम को जीतने के लिए 2 रन बनाने हैं। लालू हिरन आखिरी गेंद को जोर से खेलता है। गेंद जाकर सीधे टिंकू के सिर पर जा लगती है और टिंकू चक्कर खाकर गिर पड़ता है। यह देख चीकू टिंकू की ओर बढ़ता है।
अरे चीकू भाग, उधर कहाँ जा रहा है, रन ले नहीं तो हम हार जाएंगे। लेकिन चीकू रन नहीं लेता, वह टिंकू को संभालता है। धीरे धीरे सभी खिलाड़ी घायल टिंकू के पास आते हैं और उसे डॉक्टर की देखरेख में भेजते हैं। इस तरह रॉयल्स टीम ने 2 रन से मैच जीतकर सुंदरवन T20 कप अपने नाम किया। अब मैदान में सभी खिलाड़ियों के साथ मरहम पट्टी कराकर टिंकू कछुआ भी खड़ा है। राजा शेर सिंह मंच पर आते हैं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, लेकिन अंत में रॉयल्स टीम की जीत हुई। आज का मैन ऑफ द मैच टिंकू कछुए को दिया जाता है। महाराज, मैन ऑफ द मैच मुझे नहीं बल्कि चीकू को मिलना चाहिए। वह चाहता तो रन लेकर मैच जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करके मेरी मदद की। चीकू ने भलाई का काम किया है, इसीलिए मैन ऑफ द मैच का असली हकदार चीकू ही है। मुझे मैच हारने का दुख नहीं बल्कि इस बात की खुशी है कि मुझे सच्चा दोस्त मिल गया है। चीकू ने आज हमें वो जीत दिलाई है जो सभी जीत से बड़ी है, परोपकार की जीत। संदेश: परोपकार करना ही सबसे बड़ी जीत है।